आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल देवप्रीत पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो ये दो टाइप से सॉल्व होता है, एक होता है पाइवट इक्वेशन मान करके और दूसरा मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इससे पिछले लेक्चर में बात किया था पाइवट इक्वेशन के थ्रू मान करके हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ए लेते हैं पहले, ए मैट्रिक्स। ए क्या होता है, ए इक्वल टू ये जो भी हमारा कांस्टेंट होते हैं एक्स के वाई के जेड के, उसका कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं ए में। तो इस कांस्टेंट है 2 1 1 एंड 3 2 3 1 4 एंड 9, ये कांस्टेंट हो गए। और होता है एक्स। एक्स क्या होता है, जो भी हमारा वेरिएबल है, क्या क्या वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है एंड जेड वेरिएबल है। और एक आता है हमारा बी, ठीक है। बी क्या होता है कि जो भी मेरा ये पार्ट होता है इक्वल टू के इस पार्ट, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, बी। तो बी क्या है, 10 है, 18 है और 16। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपर ट्रायंगल बनाते हैं। तो अपर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है डायगोनल, ये जो होता है डायगोनल, इसके नीचे वाला जो तीनों है ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि ये जीरो हो जाएगा, इसको जीरो करना है और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि यदि हम लोग मैट्रिक्स को जिसमें 1 1 किसी भी रो को किसी भी रो से हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हम लोग जिसमें 1 रहता है ना कोफिशियंट, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर में। तो देखिए जैसे यहाँ पे 1 है, क्योंकि हम लोग को सॉल्व करने में बड़ा ईजी होगा, तो हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसको चेंज कर देंगे। तो इसको हम लोग पहले चेंज कर देते हैं, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। इस रो को हम लोग ऊपर लेके लिखते हैं 1 4 9 एंड इसके सामने में क्या है, 16। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग सी जो होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एगुमेंटेड मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्या इससे डिनोट करते हैं, सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हम लोग क्या है, 1 4 9, उसको ऊपर में लिख दिए, इसके सामने का वैल्यू कितना है, 16। तो इसको हम लोग 16 ले लेते हैं। उसी तरह 3 है, 3 2 3 18 एंड 2 1 1 इसका वैल्यू है 10। ओके दोस्तों, इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब क्या करना है, इसमें ऑपरेशन लगाना है। तो हम लोगों ने मैंने क्या बताया कि इस तीनों को हम लोग को जीरो करना है। तो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, चलिए देखते हैं। तो ऑपरेशन हम लोग किसके थ्रू लगाएंगे, रो वन के थ्रू लगाएंगे। जब इसको जीरो करेंगे, इन दोनों जीरो हम लोग रो वन के थ्रू करेंगे, तो ऑपरेशन लगाते हैं। तो ऑपरेशन लगाने का एक नियम है, देखिए जैसे कि हम लोग इसको जीरो बनाना है ना, आर वन को, आर टू को। तो जब हम लोग आर टू को जीरो बनाएंगे तो क्या करेंगे, आर टू माइनस, ठीक है, जो वैल्यू है यहाँ पे उस वैल्यू को लिखना है 3, और जो वैल्यू हम लोग लेते हैं ना आर वन, तो इसको जो आर वन के जगह पे जो वैल्यू है उसको लिखते हैं 1 एंड आर वन। ओके, अब देखिए जब ये सेकंड के लिए हो गया, जब आर थ्री में हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए आर थ्री माइनस आर थ्री की जगह पे कौन सा वैल्यू है, 2, तो 2 लेंगे हम लोग, और उसके बाद आर वन के जगह पे 1, तो 1 एंड आर वन। तो अब देखिए इन दोनों ऑपरेशन को जब हम लोग ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो आर वन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग आर वन को चेंज नहीं करते हैं। तो 1 4 9 16। अब आर टू का वैल्यू क्या आ गया, देखिए आर टू माइनस 3 आर वन, तो आर टू माइनस 3 आर वन, तो 3 × 1, तो 3, तो आर टू में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से आर टू माइनस 3 आर वन, यही है ना, आर टू माइनस 3 आर वन, तो आर टू माइनस 3 आर वन, तो 12 हो जाएगा, 12 तो माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 27, तो यहाँ पे आ जाएगा -24, और यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 3 × 16, तो यहाँ पे आ जाएगा -30। ओके, उसी तरह से अब हम लोग आर थ्री में ऑपरेशन लगाएंगे। तो आर थ्री में ऑपरेशन क्या हो जाएगा, देखिए
R3 - 2R1, तो R3 - 2R1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 - 2 जीरो हो जाएगा ना। तो उसी तरह से अब हम यहाँ पे देखेंगे R3 - 2R1, तो 1 - 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -7 एंड उसी तरह 1 - 18, तो -17 इक्वल टू 10 - 16 × 2 = 32, 10 - 32 तो -22। तो देखिए हमारा यहाँ पे दो जीरो बन गया, तो हम लोग को लोअर ट्रायंगल बनाना है, तो अब हमको क्या बनाना है, ये जो है इसको हम लोग को जीरो बनाना है। तो जब इसको जीरो बनाएंगे किसके थ्रू बनाएंगे, जीरो आर टू के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेशन लगाने के लिए क्या नियम है, जब हम लोग इसको जीरो बना रहे हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे R3, तो R3 माइनस जो यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू कितना है 7, डिवाइड बाय जो वैल्यू से हम लोग को बनाना है जीरो, तो इस वैल्यू से बनाना है R2 रो से, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है 10, तो डिवाइड बाय 10 और R2 लिख देंगे, ठीक है R2 से कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 और R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है हम लोग वैसा ही इसको लिख देंगे, और सिर्फ ओनली R3 में चेंज होगा वैल्यू, तो -30 एंड देखिए अब R3 में चेंज करेंगे, तो R3 माइनस जीरो माइनस इतना करना है, R2 है 0 - 7/10 × 0, तो यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा। उसी तरह से जब R3 का वैल्यू कितना है -7, तो देखिए हम यहाँ पे इसको आप लोग को रब करके मैं बता दे रहा हूँ, देखिए R3 का वैल्यू क्या है -7, ओके -7/10 × कितना दिया हुआ है R2 का वैल्यू कितना दिया है 10, तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 ले लिया, तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे -10 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू -10 है, तो -10 ले लिया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो देखिए -7 तो -7 + 7, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको इसके जगह क्या लेंगे 0। अब फिर इसको लेना है, तो R3 कितना वैल्यू है 17, तो देखिए -17 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी फिर हम लोग रब करते हैं इसके लिए, तो -17 ठीक है -7/10 और इसका वैल्यू कितना है 24, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे × 24, ओके -24 तो माइनस लिखेंगे, तो देखिए काटते हैं इसको 12, ये 5 कट जाएगा, उसके बाद जब हम इसको -17 - 12/5 करते हैं तो -+ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 - 1/5, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं -1/5 एंड इक्वल टू, जब इसमें भी हम लोग को लगाना है ना, तो इसमें भी लगाना है, तो ये क्या आ जाएगा R3 −22 - 7/10 × R2 का वैल्यू क्या है -13, तो जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आ गया अपर ट्रायंगल बन गया है 0 0 0, ठीक है, इस डायगोनल के नीचे हम लोग का तीनों जीरो बन गया, तो मेरा जो भी क्वेश्चन था अब समझो सॉल्व हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखना है 1 है तो x + 4y + 9z = क्या हो जाएगा 16 एंड -10y, क्योंकि x वाला जीरो है, y वाला -10, फिर -24z = -30 एंड -z/5, क्योंकि z ही है ये पे, क्योंकि x 0 y 0 एंड z यहाँ पे आ गया = -1, तो z का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है ना, जब इसको हम इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा z = -5, तो -z तो -, कैंसिल हो गया, z = 5 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो z है z का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -10y - 24 × 5 = -30, तो यहाँ पे आ जाएगा -10y, तो माइनस, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 × 5 = 10 × 2 = 12 = 120 = हमारा क्या आ जाएगा -30। जब इसको हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो -10y = ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए जब ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू इसका 19,
जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -9। ओके एंड z, अब हम लोग क्या निकालने हैं, y का वैल्यू हमारा निकल गया, x का वैल्यू, z का वैल्यू निकल गया, अब निकालना है हमको x का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, z का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, जब x प्लस y का वैल्यू कितना है -9, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -9 को, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 प्लस, जब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 प्लस 36 माइनस 45, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारा, तो हमारा x का वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू -9 एंड z का वैल्यू 5। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पाइवोट इक्वेशन के थ्रू हम लोग सोल्व किए थे, तो आप वहां पे जाकर के इन दोनों का आंसर आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, इसी तरह अपडेटेड वीडियो पाने के लिए जो हम लोगों का चैनल है, आपका चैनल है देवप्रीत, उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।